इस वीडियो में बंदर गया खेत में भाग पाठ की अभ्यास पुस्तिका को पूरा करेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, इस पाठ का अर्थ व इसके अभ्यास प्रश्नों को आप मेरे इस वीडियो में देख सकते हो, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। ये एक छोटी सी कविता है जिसका शीर्षक है बंदर गया खेत में भाग। बंदर गया खेत में भाग, चुटर मुटर तोड़ा साग, आग जलाकर चटर मटर, साग पकाया खदर बदर, सापड़ सुपड़ खाया खूब, पोंछा मोह उखाड़ कर तूब, चलनी बिछा ओढ़ कर सूप, डट कर सोए बंदर भूप। अब इसकी अभ्यास पुस्तिका को पूरा करते हैं। पाठ में ये कुछ कठिन शब्द आए थे जिनका अर्थ आपको अभ्यास पुस्तिका में लिखना है, जैसे कि दूब जिसका अर्थ है घास, चलनी चलनी जिसमें गेहूं चावल छाने जाते हैं, तो ये आप अपनी मम्मी से घर में देख सकते हो, जिसको बिछाकर बंदर सो गया था, और सूप का अर्थ है छाछ जिससे अनाज को साफ किया जाता है, ये भी आप अपने घर में देख सकते हो, और भूप का अर्थ है राजा। तो कविता में बताया गया था कि बंदर किस तरह चलनी को बिछाकर और छाछ को ओढ़कर राजा की तरह सो गया था। कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। बंदर गया खेत में भाग, चुटर मुटर तोड़ा साग, आग जलाकर चटर मटर, साग पकाया खदर बदर, सापड़ सुपड़ खाया खूब, पोंछा मुँह उड़ाकर दूब, चलनी बिछा ओढ़कर सूप, डटकर सोए बंदर भूप। बंदर के साग खाने पर कैसी आवाज आ रही थी? तो बंदर के साग खाने पर सुपड़ सुपड़ की आवाज आ रही थी। अब बताओ इनमें से कैसी आवाज आती है? पानी में कोई चीज डूबने पर तो कैसी आवाज आती है? गुड़ गुड़। सिक्के के जमीन पर गिरने से कैसी आवाज आती है? टन टन। दीवार पर कील लगाने पर ठक ठक। घड़ी की सुइयां चलने पर टिक टिक। बंदर ने साग खाने के बाद अपना मुंह घास से पोंछा। बताओ तुम खाना खाने के बाद किससे अपने मुंह हाथ पोंछते हो? तो बताओ बच्चों, आप अपने हाथ मुंह किससे पोंछते हो? तौलिए से। प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखो। बंदर ने खेत में जाकर क्या किया? बंदर ने खेत में जाकर साग पकाया। बंदर ने साग किस पर पकाया? बंदर ने साग आग जलाकर पकाया। बंदर ने सोने के लिए क्या बिछाया? तो ये हमने कविता से जाना कि बंदर ने सोने के लिए चलनी को बिछाया। बंदर ने क्या ओढ़ा? बंदर ने सूप को ओढ़ा। साग का रंग कैसा होता है? सही का निशान लगाकर बताओ। तो साग हरे पत्तों से बनता है, तो उसका रंग कैसा होगा? हरा। साग पकाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, ये आप अपने मम्मी से पूछना। अब बताओ इनका रंग कैसा होता है? सही का निशान लगाओ। और टमाटर का रंग हरा भी होता है और लाल भी। जो कच्चे टमाटर होते हैं उनका रंग हरा, और पके हुए टमाटर का रंग लाल। बैंगन का बैंगनी, मूली का रंग सफेद। चित्र वर्णन, यहाँ पर बच्चों आपको इस चित्र का वर्णन करना है कि इस चित्र में आपको जो जो चीजें दिखाई दे रही हैं उनको लिखना है। जैसे उदाहरण के लिए, ये एक खेत का दृश्य है। सुबह सुबह पहाड़ों की ओर से उगता सूरज दिखाई दे रहा है। ये देखो आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं। खेतों के बीच से एक रास्ते पर दो लोग खेत में काम करने जा रहे हैं। ये देखो एक बच्चा भी रास्ते पर दौड़ा चला जा रहा है, ये भाग रहा। एक किसान अपने खेत में काम कर रहा है, ये देखो यहाँ पर किसान अपने खेत में काम कर रहा है। एक खेत में ट्रैक्टर से खेती का काम किया जा रहा है, ये देखो।
दूर पहाड़ी पर एक गांव की कुछ झोपड़ियां दिखाई दे रही हैं। ये देखो, इस तरह इस चित्र का वर्णन करना है। जो खेती करता है उसे क्या कहते हैं, किसान या जवान? तो जो खेती करता है उसे किसान कहते हैं। ट्रैक्टर क्या करता है? ट्रैक्टर खेत जोतने का काम करता है। खेत में क्या उगाया जाता है? सब्जी, अनाज या टॉफी, बिस्कुट? तो खेत में सब्जी, अनाज उगाया जाता है। इनमें से कौन सी चीज जमीन के नीचे होती है और कौन सी जमीन के ऊपर? तो अगर बच्चों आपने इनको खेत में उगे हुए देखा है तो आप आसानी से पहचान जाओगे। जैसे जमीन के नीचे वाली चीजें कौन सी हैं? आलू, प्याज, मूली, सलजम। ये देखो, आलू, प्याज, मूली और सलजम, ये जमीन के नीचे लगते हैं। जमीन के ऊपर लगने वाले मटर, लौकी, टमाटर और बैंगन। अगर आपके आसपास कोई खेत है तो इन चीज़ों को आप जाकर जरूर देखना। इस कविता को एक बार फिर से पढ़ें। पाठ को अच्छी तरह से समझने के लिए इसके अर्थ व अभ्यास प्रश्नों वाले मेरे वीडियो को जरूर देखना। बच्चों, साग बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।